Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new to my channel, please make sure to subscribe and also hit that bell icon. So when I upload a video, you guys will be notified. अब please जो notification bell है उसको on जरूर कर लेना. अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद छोड़ देते हो तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी. अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हो ना, एक बेल है जिसको आप हिट करके वो ग्रे हो जाएगा, तो आपको मेरी चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी. तो आज का जो वीडियो है वो है शॉपी हॉल. मैंने इससे पहले भी 3 से 4 वीडियो शॉपी के ऊपर बना दी है. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वीडियो के एंड में ज़रूर जाकर देखना. और अगर आपको रिटर्न और रिफंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है. आप वो भी जाकर आई बटन में देख सकते हो या फिर आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी. तो आज की वीडियो में मैं अंडर 10 जो भी आइटम्स होगी मैं उसका हॉल करने वाली हूँ. 2-3 ही आइटम है क्योंकि मैंने जो भी अंडर 10 सामान शॉपी से ऑर्डर किया है, काफ़ी सामान था जो कि मुझे 7-7, 8-8 रुपए में मिला था, पर वो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मतलब 10-15 days हो रहे हैं, वो अभी तक पहुँचे नहीं है सामान. कुछ कुछ जो पहुँच चुका है मैं आपके साथ वो आज शेयर कर लूँगी. जो बाद में आएगा मैं बाद में बता दूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो, तो इस वीडियो में मैं जो अंडर 10 ही होगी ना वही करूँगी. तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये प्यारा सा स्टैंड जो कि मुझे 9 रुपीज में मिला है. 9 रुपीज. तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो के सामने ही जो पैकेज को ओपन किया करो, तो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि सामान एक दिन में सारा सामान नहीं पहुंचता है, बारी बारी से पहुंचता है, तो वीडियो बनाने तक के लिए कुछ दिन लग जाते हैं. और मेरी इतनी क्यूरियोसिटी होती है जब भी कोई सामान आता है तो मुझे लगता है कि पहले मैं देख लूँ, अगर कोई खराब या कुछ है तो उसको हम रिटर्न तो कर सकते हैं. अगर वीडियो तो उसके 2-3 दिन के बाद बनती है ना, तो इसलिए उस टाइम पे ओपन जो सामान उस टाइम पे आता है वो सामान मैं उस टाइम पे ओपन करती हूँ. जो पहले आ चुका होता है उसमें खोल के देख लेती हूँ कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है, फिर 1-2 दिन के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ. तो फर्स्ट ये है मोबाइल स्टैंड. इसको इस तरह से रखना है और अपने मोबाइल को आपको यहाँ पे स्टैंड पे रख देना है. तो इसको ट्राई करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं. तो गाइस, कोई भी एक्स्ट्रा फोन जो चलता है वो मुझे नहीं मिला. ये एक फोन मिला है जो कि काम नहीं करता, तो चेक ही करना है, तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं. तो जैसे आपको कुछ देखना है तो आप इस तरीके का एक स्टैंड ले सकते हो. उसको ऐसे रख के आपको हाथ में ऐसे करके पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा फ़ोन. मैंने सच में इसको ट्राई अभी तक नहीं किया था, तो मैंने आज ही ट्राई किया और मुझे सच में जेन्युइनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे बहुत काम आने वाला है क्योंकि मेरी क्लासेस होती है. आप बताओ आपको ये वाला प्रोडक्ट कैसा लगा. ये है 7 रुपीज का. ओपन नहीं किया, इसको खोल देते हैं. तो ये जो है ये है कॉम्पैक्ट. मैं एक पाउडर को उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसका नाम क्या होता है, वो ब्यूटी ब्लेंडर जैसा ही होता है, वो लंबा सा होता है, तो वही मैंने ऑर्डर किया है. अभी ओपन नहीं हुआ है तो खोल के देख लेते हैं. ये है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पतला है, ये वैसा नहीं दिखता जैसा ये उसमें कॉम्पैक्ट होता है ना, ये वैसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा. और ये ऐसे रबड़ का जैसा है, मतलब नहीं ये मेरे किसी काम का नहीं है. ये जैसा होना चाहिए कि वैसा नहीं है. पी ऐप में जब आप शॉपिंग करते हो तो उसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो जब आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट में आपको कॉइन्स आप यूज़ कर सकते हो. तो जैसे मान लो आपका 7 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो उसमें अगर आप कॉइन यूज़ करते हो तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से ही कॉइन आप यूज़ कर सकते हो. सपोज़ आपके पास 7 का प्रोडक्ट है तो आपको 2 या 3 रुपए का ही आप उस पर कॉइन यूज़ कर सकते हो. तो आप जब कॉइन यूज़ करोगे वो आपको मतलब उतने परसेंट का छूट दे देगा, तो मतलब आपको उससे 5 रुपीज़ पे करने हैं जो भी आपका लेस होगा. तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला. तो
तो गाइज़ जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने सेफ्टी पिंस पे मंगवाई थी, पर इस पर लिखा आ रहा है कि पार्सल हैज़ बीन लॉस्ट। इसका मतलब है कि जो पार्सल था वो गुम गया है। तो इस पर मेरा कोई भी लॉस नहीं है, इसमें शॉपी ऐप वालों का ही लॉस है, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे सामान मंगवाया था। और इसके अलावा भी मैंने एक दो सामान मंगवाया था जो कि मेरे पास नहीं पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हुआ है। अगर आप मेरे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लंबे बाल देख रहे हो और आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो ये मैंने लास्ट जो मैंने शॉपिंग का हॉल किया था उसमें मैंने एक्सटेंशन शेयर की थी, हेयर एक्सटेंशन। ये वाली एक्सटेंशन भी वही से है, बैंग्स वाली। और जो ये लॉन्ग हेयर आप देख रहे हो बहुत ही गॉर्जियस है, ये भी शॉपिंग हॉल से ही है। और ये मुझे कुछ 150 के अराउंड पड़े। अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप लिंक पे जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक जरूर कर लेना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं इसी तरह की और एक्साइटेड वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल।